अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर दो तरह के होंगे, फिक्स्ड कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर जोड़े होंगे वह गह दो प्रकार के होंगे, इलैक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर नॉन इलैक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। कैपेसिटर की जोड़ी टाइप्स आ उन्होंने समझने तो पहले आप वर्किंग वोल्टेज बारे जाएंगे। वर्किंग वोल्टेज की होंगी है, यह वो वोल्टेज है जिसते कैपेसिटर सेफली वर्क करता है। जदों कैपेसिटर के क्रॉस जी वोल्टेज होंगी वो वर्किंग वोल्टेज तो एक्सीड करती है, वादी है, तो कैपेसिटर के जोड़ा डायलैक्ट्रिक पदार्थ होंगे वह ब्रेकडाउन हो जाता है, तो करंट की है वो कैपेसिटर के फ्लो हो लग जाता है। तो वर्किंग वोल्टेज सुरक्षित वोल्टेज की मात्रा है जिसते कैपेसिटर नू वर्त्या जा सकता है। जेड़े भी जो भी कैपेसिटर आप देखते दे हैं उदी वर्किंग वोल्टेज लिखी होंगी है, तो आप कोई भी कैपेसिटर तो देख के उसकी वर्किंग वोल्टेज बारे जान सकते हैं। तो अपनी पहली जी टाइप है वो है पेपर कैपेसिटर। आप जानते हैं कि कैपेसिटर के दो धातु होंगे, दो धातु प्लेटा होंगे, उन्होंने की है डायलैक्ट्रिक मटीरियल के ना ही वक् किया होंगे। पेपर कैपेसिटर के दो प्लेटा होंगे, उन्होंने पेपर डायलैक्ट्रिक मटीरियल नाल अलग किया होंगे। यह जिहड़ा पेपर डायलैक्ट्रिक मटीरियल है वह रसायनिक क्रिया कर नाल मजबूत बनाया जाता है। यह अपने मैटल पीस है, जिन्हां नूं आपां सप्लाई दिंदे हां, ते इन्हां नूं डायलैक्ट्रिक मटीरियल नाल ही अलग किया गया है। जिहड़ी पेपर कैपेसिटर की वर्किंग वोल्टेज है वह 600 वोल्ट होंदी है, बट जदों आपां माइलर पेपर की वरतों करते हाँ पेपर कैपेसिटर दे विच, तां इस दी वर्किंग वोल्टेज 1600 वोल्ट तक हो सकती है। अपनी नैक्सट टाइप है माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर दे विच आपां जिहड़ा डायलैक्ट्रिक मटीरियल है वह अबरक यूज़ करते हैं, जिसनों इंग्लिश दे विच माइका कहा जाता है। माइका कैपेसिटर दे विच आपां धातु अते डायलैक्ट्रिक मटीरियल नूं तह दे रूप विच कलैंप करते हैं, जिवें तुसीं डायग्राम दे विच देख रहे हो। आह धातु है अते इस विच डायलैक्ट्रिक मटीरियल रख्या होया है, यह दो पॉइंट टर्मिनल दे हन। माइका कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बहुत घट होंदी है, यह 500 पिको फैड तो भी घट सकती है। जे आपां माइका कैपेसिटर की वरतों हाई फ्रिकुएंसी के सर्किट विच करते हाँ, माइका कैपेसिटर की वर्किंग वोल्टेज 600 वोल्ट होंदी है। जी टाइप है सिरामिक कैपेसिटर। सिरामिक कैपेसिटर डिक्स टाइप का होंदा है, इस विच जिहड़ा अपन डायलैक्ट्रिक मटीरियल यूज़ करते हैं वह सिरामिक का बनया होंदा है, जिवें आह डायग्राम विच दिखाया गया है। इस विच दो मैटल के पीस वरते गए हैं अते उन्हां नूं डायलैक्ट्रिक मटीरियल नाल वक् किया गया है। इस उपर प्रोटैक्टिंग लेयर चढ़ी होंदी है, उस तो बाद मैटल पीस होंदे हन, अंदर डायलैक्ट्रिक मटीरियल होंदा है। इस दे ये दो टर्मिनल होंदे हन। सिरामिक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होंदी है बहुत घट होंदी है, इसकी जिहड़ी कैपेसिटी होंदी है वो 5 पिको फैट तो लैके 0.05 माइक्रोफैड तक होंदी है। सिरामिक कैपेसिटर की वरतों आप हाई फ्रिकुएंसी के सर्किट विच करते हैं। पावर सिरामिक कैपेसिटर की वर्किंग वोल्टेज
10,000 वोल्ट तक हो सकती है, तो इस तो भी ज़्यादा होंगी है। अपनी नैक्सट टाइप है एयर कपैसिटर। एयर कपैसिटर के आप जो डायलैक्ट्रिक मटीरियल वरते हैं वह असल च एयर होंगी है। यह एक एयर कपैसिटर है। इस विच की होंगे एक प्लेट, एक सैट फिक्स प्लेटा का होंगे अते एक सैट मूवी प्लेटा का होंगे है। बेसिकली जेडे एयर कपैसिटर होंगे अपने यह वेरीएबल कपैसिटर होंगे हैं जेडे आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी जो कपैसिटी है बहुत घट होंगी है, इस करके हाई वोल्टेज में सहार सकते हैं। जेडी एयर कपैसिटर है इन्हों की जी आप वरतों ट्यूनिंग सर्किट के करते हाँ, यह कई तरह के होंगे हैं वेरीएबल कपैसिटर। नैक्सट टाइप है अपनी गैंग कपैसिटर। गैंग कपैसिटर भी वेरीएबल कपैसिटर है। इस विच की है यह ग्रुप ऑफ कंडक्टर कपैसिटर होंदा है। इस विच कई कपैसिटर इकट्ठे जोड़े होंदे हैं। इस विच भी एक प्लेट फिक्सड होंदी है ते दूजी मूविंग होंदी है। जड़ी फिक्स होंदी है उसनू स्टेटर कहिंदे आ ते मूविंग नू रोटर कहिंदे आ। जदों यह रेडियो दे विच वरते जाते हैं तो इस विच हवा इंसुलेटर के रूप में वरतते हैं आप, तो जो इसनों आप ट्रांजिस्टर के यूज़ करते हैं गैंग कपैसिटर तो पॉलीथिन पेपर नू इंसुलेटर के रूप में वरतते हाँ। गैंग कपैसिटर की जिहड़ी कपैसिटी है वह 25 माइक्रोफैड तो लैके 500 पिकोफैड तक होंदी है। अपनी नैक्सट टाइप है इलैक्ट्रोलाइटिक कपैसिटर। इलैक्ट्रोलाइट कपैसिटर के आप अलमीनियम के पत्रे यूज करते हैं जिन्हें की है ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। यह सिलेंडर कार के होंगे। इलैक्ट्रोलाइट कपैसिटर के जो आप डायलैक्ट्रिक मटीरियल यूज़ करते हैं वह सोडियम सल्फेट होंगे है। इलैक्ट्रोलाइट कपैसिटर गिले या अर्ध सुके तैयार किए जाते हैं। जो इलैक्ट्रोलाइट कपैसिटर विचों डीसी लगाई जाती है तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से अलमीनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जो कि पॉजिटिव प्लेट से डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ा देती है। जिनी यह मोटाई परत की मोटाई घट होगी उन्नी कपैसिटी वध हो जाएगी। यह 1000 माइक्रोफैड कपैसिटी तक आसानी नाल बनाए जा सकते हैं। जिहड़े अपने इलैक्ट्रोलाइटिक कपैसिटर होंदे हन इह आपां एसी ते नहीं चलाउंदे, ध्रुवीकरण दे कारण आपां इसनूं एसी सप्लाई नहीं दिंदे, इसनूं आपां सिर्फ डीसी ते ही वर्क करदे हाँ। जदों इसदे आपां कनैक्शन करने हाँ तां इसदे टर्मिनल दा खास ध्यान रखना है। पॉजिटिव टर्मिनल नूं हमेशा डीसी दे पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ना चाहिए है ते नैगेटिव टर्मिनल नूं डीसी दे नैगेटिव टर्मिनल नाल जोड़ना चाहिए है।